और ये चीज ना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज आप उन लोगों को पूछना जिन लोगों इतनी भयंकर नदी आई थी कि जो ऊपर के सारे पटाले थे ना वो नदी अपने साथ बह के ले जुड़े होंगे। तो आपने एक ब्लॉग देखा होगा जब हमारे यहाँ पूजाए चल रही थे, ज्यादा दिन नहीं हुए अभी, पूरा पानी फोर्स में यहाँ से आता था, इस वाले देखो इस वाली बल्ली से जाता था, पर उससे पहले वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। ये ना मतलब उस टाइम पे ये इतना बड़ा झटका लगा था सबको कि क्या ही बोलूं भाई। और यहाँ देखो भाई चलो लौंडे देखो तैयार हो चुका है एकदम डुब मारने के लिए। भाई इस रास्ते के हाल कुछ ऐसे हैं, ये देखो पूरा टूटा है भाई। चलिए जी दोस्तों, आज की वीडियो ना बहुत जल्दी में शुरू हो रही है, तो चलिए एक नए दिन के साथ एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आइए फिर कुछ खास करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आदब भाई लोगों, क्या सीन है, कहाँ जाना है, नदी, तो चलो भाई। तो चलिए जी भाई, अभी निकल चुके हैं हम नदी के लिए, तो अभी हम तीनों ही हैं, बाकी दो लौंडे हमारे चले गए बैजरो की ओर, और हम जा रहे हैं पहाड़ी स्विमिंग पूल की ओर, क्योंकि भाई गर्मी हो रही थी तो हमने सोचा कि थोड़ा स्विमिंग करके आते हैं। तो आज आपको पहाड़ी स्विमिंग पूल दिखाते हैं, और दिखाते हैं आपको पहाड़ी स्विमिंग पूल के मजे। और यहाँ देखो भाई, यहाँ अभी भी पानी आ रखा है देखो, तो ये हमारी गडरी है भाई, इस जगह को गडरी बोलते हैं। यहाँ नीचे से एक झरना टाइप का आता है जब भी बारिश होती है ना भयंकर, तो आपने पिछले वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपने गडरी भी देखी होगी। तो चले भाई, अभी आ गए हम ठीक तल्ले रेली के सामने, और ये वाला जो अखरोट का पेड़ है ना, इससे हमने इतने अखरोट खा रखे ना क्या ही बताऊँ भाई, मतलब जब हम नदी से आते थे तो यहाँ पे अखरोट तोड़ते थे। घास के हाल देखो भाई, कैसे लमलेड लगा रखी है देखो, सुअरों ने ना बिल्कुल देखो भाई लमलेड लगा रखी है। आजकल ना दोस्तों बिल्कुल रास्ते ही नहीं है, उसके चक्कर में देखो भाई हम कहाँ आ गए, दलमोटा वाले रास्ते पे आ गए भाई, और ये सीधा दलमोटा जाता है, और भाई रास्ते नहीं मिल रहे हमें नदी जाने के लिए, यानी अपने पहाड़ी स्विमिंग पूल जाने के लिए, तो भाई इसलिए भाई इधर साइड आना पड़ा। वाला रास्ता था हमारा मेन, जो कि बिल्कुल घास के चक्कर में बंद हो रखा है। एक रास्ता दोस्तों हमारे इस रोले वाला था, वो भी बिल्कुल घास के चक्कर में बंद हो रखा है। और एक रास्ता फिर दोस्तों वहाँ से चैली में जाओ, उतनी दूर से फिर यहाँ आना पड़ता, तो इसलिए हम इस वाले रास्ते से आ गए, और इस वाले रास्ते से हमें अभी पंदिरे में जाना है, और पंदिरे से नीचे के लिए। तो चलिए भाई, अभी आगे हम दलमोटा वाले रास्ते पे, ये दलमोटा वाला, और यहाँ देखो भाई चबूतरे का पेड़, और कितने बड़े बड़े देखो चबूतरे हो रखे हैं, देखो कितने मस्त हो रखे हैं भाई। बाकी ये रहा भाई कुत्तों का डर, देखो विवेक भाई ने पकड़े लाठी। तो चलो अभी आज दलमोटा गाँव होते हुए चलेंगे। यहाँ देखो भाई, यहाँ भी कितने बड़े बड़े हो रखे ना देखो। ये भाई छोटा सा गांव दलमोटा देखो, और हमारे साथ सौरभ भाई, नए भाई जुड़ गए हमारे, तो इसीलिए हम इधर दलमोटा रास्ते से आए, क्योंकि भाई हमने कहा दलमोटा में एक दो लौंडे मिल जाएंगे तो उनको भी लेके जाएंगे, बट एक ही लौंडा मिला, दूसरा नहीं आया। तो चलो आज आपको ना मैं घर भी दिखाता हूँ अभी, और स्विमिंग पूल भी दिखाता हूँ, देखो हमारे पहाड़ी स्विमिंग पूल यानी हमारी नदी। रास्ता ना दोस्तों बिल्कुल रोल वाला रास्ता है, मतलब इसमें गदेरा आता है जिस टाइम पे बारिश होती है ना ज़्यादा, इसीलिए भाई इस रास्ते के हाल कुछ ऐसे हैं। अभी दोस्तों हम ठीक पहुंच चुके हैं नदी में, और आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारी पुरानी संस्कृति, यानी जो होता है ना घाट घराट, जो आजकल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे एक घराट था जो कि ये रहा भाई, था क्या अभी भी है, बट आजकल बिल्कुल बंद हो रखा है, देखो आजकल इसके हाल कैसे हो रखे हैं कुछ दिनों से। और ये देखो भाई, यहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों, उसको हमारे यहाँ बोलते हैं रियॉड, और इसमें दोस्तों पिसा जाता है, और ये घूमता है भाई पानी के फोर्स से। तो आजकल तो दोस्तों बंद हो रखा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, अगर चलता तो मैं आपको दिखाता, बाकी कुछ इस तरीके से देखो पानी से चलता है भाई पूरा। तो ये हमारा पुराना घराट है, और कभी ना मस्त चलता था, और हम यहीं आते थे भाई पिसाने। और ये घराट ना दोस्तों हमारे यहाँ के दलमोटा के ताऊजी थे, भरत सिंह उनका नाम था, और उनका ये घराट था, और वो हमेशा यहाँ रहते थे और इस घराट को चलाते थे, पर उनकी दोस्तों डेथ हो चुकी है, जो कि मैंने, आप अगर मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तो आपने एक ब्लॉग देखा होगा जब हमारे यहाँ पूजाए चल रही थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए अभी, तो आपने अगर वो ब्लॉग देखा होगा तो उसी टाइम पर वो ख़त्म हुए थे, और उस चीज़ में ना दोस्तों उस ब्लॉग में मैंने वो बात कही भी थी, और अब ये घराट बिल्कुल नहीं चलता। डिटेल में एक वीडियो आने वाली थी घराट पर कि भाई हम जाएंगे और उन ताऊ जी से मिलेंगे, और उन ताऊ पूछेंगे कि कब से ये बना हुआ है, कैसे इसका मतलब कैसे ये शुरू किया आपने, कब से आपके जो पिताजी हैं दादाजी हैं उन्होंने कब से ये शुरू किया,
हर चीज़ उनको पूछने वाले थे और मस्त एक ब्लॉग बनाने वाले थे, पर उससे पहले वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। ये ना मतलब उस टाइम पे ये इतना बड़ा झटका लगा था सबको कि क्या ही बोलूँ भाई। बाकी ये घराट वो चलाते थे और देखो भाई कुछ ऐसा है, मशीन वाली चक्की आ गई, डीजल वाली चक्की आ गई, बहुत सारी चक्की आ गई, इनसे ये काम होता है। पर पहले हम यहाँ आते थे भाई, तो ये चीज़ हमने खुद अपनी आंखों से देखी है कि कैसा चलता है, कैसा सब कुछ है। यहाँ से वो पानी जाता था, देख वो घूमता था, ये पानी यहाँ से निकल जाता था, पूरा पानी फोर्स में यहाँ से आता था। इस वाली देखो, इस वाली बल्ली से जाता था और नीचे एक मोटर लगी होती है, यानी एक लकड़ी का मोटर टाइप का बनाया होता, तो जब उस पर पानी टकराता ना तो इस फोर्स से घूमता है और उसके बाद ऊपर जो चक्की है, जो मैंने आपको अभी चक्का बताया, वो वाला चक्का घूमता है, तब जाके दोस्तों पिसाई होती है। यानी घराट हमारे पहाड़ों की ना दोस्तों बहुत पुरानी चक्कियाँ हैं। जब हमारे यहाँ बिल्कुल चक्की उक्की कुछ नहीं थी ना, तो घराट थे भाई, घराट में ही पिसाई होती थी हमेशा से भाई। और घराट का पिसा हुआ आटा और मशीन का पिसा हुआ आटा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब जो स्वाद ना दोस्तों घराट के पिसे हुए आटे में है, वो मशीन के पिसे हुए आटे में बिल्कुल नहीं है भाई। ये चीज़ ना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ आप उन लोगों को पूछना जिन लोगों ने घराट का पिसा हुआ आटा खाया है, उन लोगों को पूछना। और ये देखो भाई, सबसे पहले जो पहले वाला घराट था ना, वो ये वाला घराट था। और अब देखो ये तो बिल्कुल टूट चुका है, और ये क्यों टूटा वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी नदी है, और जब बारिश का टाइम हुआ था, मतलब बसगाल का टाइम था, तो एक टाइम पर इतनी भयंकर नदी आई थी ना, इतनी भयंकर, तो यहाँ तक लगा लो, सोचो अब नया वाला घराट यहाँ है, पुराना वाला घराट यहाँ था। और इतनी भयंकर नदी आई थी कि जो ऊपर के सारे पटाले थे ना, वो नदी अपने साथ बह के ले गई। तो इतनी भयंकर मतलब उस टाइम पे नदी आई थी, मतलब सोचो कि भाई ये इतनी ऊपर होने के बाद भी यहाँ तक नदी थी, देखो। और अब नया वाला यहाँ है। बाकी ये वाले टायर देखो, ये जेसीबी का टायर है, और नदी भी इसको अपने साथ बहते बहते लाई है। अब ये ऐसे बैठने के लिए हमारे लिए कुर्सी का काम करता है। बाकी यहाँ पे देखो कितनी मस्त छाया हो रही है, बैठने के लिए यहाँ पे एक नंबर है भाई। बाकी ना दोस्तों, अगर हमारे वो ताऊ जी अभी रहते तो आपको ना मैं इस घराट के बारे में बहुत सारी डिटेल में जानकारी देता, बहुत सारी चीज़ें बताता, पर वो ताऊ जी नहीं है और मेरे साथ कोई इतना नॉलेजेबल बंदा भी नहीं है जो कि मेरे को इस चीज़ में बताए। बाकी जितना मेरे को पता ना दोस्तों, जितनी मेरे को नॉलेज थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। बाकी आप अपने कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, आप भी मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नई चीज़ें बता सकते हो जो कि मैंने इसके बारे में नहीं बताया, तो आप मुझे वो चीज़ भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको पता है। अब आपको मैं अपने पहाड़ी स्विमिंग पूल के मज़े दिलाता हूँ, यानी आप चलेंगे नहाने के लिए। बाकी ये हमारा पहाड़ी स्विमिंग पूल है दोस्तों, ये हमारी नदी है, पूर्वी नयार है। बाकी चलो चलते हैं, आप नहाते हैं, इंजॉय करते हैं, क्यों लौंडो चलो। यहाँ से देखो भाई, दलमोटा वाले ने अपने मवेशियों को देखो यहाँ लेके आते हैं, और यहाँ पे देखो मस्त तफरी ले रहे हो, और इधर से भी ले रहे हैं, देखो कुछ इधर खड़े हो रखे हैं। तो दलमोटा वाले ना दोस्तों इस वाले जंगल में भेजते हैं ऊपर, इस वाले जंगल में। बाकी इस डंडी को बोलते हैं हमारे यहाँ घट की डंडी, और बाटा पोड़ भी बोला जाता है इसको। तो अभी यहीं करेंगे हम स्विमिंग, तो चलो आपको भी स्विमिंग के मज़े दिलाते हैं आज। चलो लौंडे देखो तैयार हो चुके हैं एकदम डुब मारने के लिए, और सारे दोस्त ना मस्त भाई डूबे रहे भाई, सारे मतलब गोतक हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि भाई तगड़े वाले हैं सारे। चीचा भाई के बॉडी देखो भाई, जरा सिक्स पैक दिखाना यार चीचा भाई जरा अपने, ये देखो भाई सिक्स पैक हमारे चीचा भाई के, देख रहे हो माछे मार मार के सिक्स पैक आ गए उनके। और नहाने से पहले ना ऐसे नदी में पत्थर फेंकने पड़ते हैं भाई, कि कुछ भी चीज हो तो अपनी सेफ्टी के लिए। एक डुबेर तो उतर गया देखो, ये है डुबेर, दूसरा डुबेर भी उतर गया, यहाँ पे क्या कलाकारी कर रखी है लोंडो ने, ये देखो सबके नाम लिख रखे उन्होंने। लोंडा देखो हमारे बोली लेके आ रहा है वहां से, देखो तो ये है देखो पहाड़ी लोंडो का इंस्टाग्राम और पहाड़ी स्विमिंग पूल, देखो बल्ली लेके आ गया वहां, ये देख। ये देखो भाई कितनी बड़ी बल्ली आ गई, देख रहे हो। पर पानी इतना भयंकर जोर मार रहा है ना, क्या ही बताऊं भाई, वहां से डूब मार रहे थे सीधा नीचे निकल रहे थे भाई।
पानी भयंकर जोर मार रहा है। यहाँ से रेत लेके भी जाते हैं, यहाँ से देखो पूरा रेत ही रेत है, यहाँ से रेत भी लेके चलते हैं भाई। चलो निकलते हैं भाई, बाकी ऐसा सीन था, ज्यादा लोंडे होते हम तो और मजे आते, पर क्या करें हम कम ही थे, पर जितने भी थे अपना नहा धो लिया, मस्त एंजॉय हुआ। हमें ठीक दलमोटा गांव के पंजरे में, और ये भाई धारों का पानी कुछ अलग ही है भाई, क्यों धारों का ठंडू पानी तो कुछ अलग ही रहता है भाई। और उन काला हो गया यार पंजरे गदन जाके, उन काला हो गया रे, क्रीम लाओ रे कोई क्रीम लाओ बल। यहाँ से ना दोस्तों ये रही उदमेर वाले ढंडी, और सब लौंडों ने ना यहीं पे तैरना सीखा है, यानी जितने भी लौंडे हैं तो हम सब ने यहीं पे तैरना सीखा है, यहाँ पे और ठीक यहाँ पे। हम निकलते हैं घर के लिए, पूरी चढ़ाई करनी है भाई अपने घर तक। ऐसे घर पहुंचने के बाद यहाँ देखो रील शूट हो चुकी है, और यहाँ देखो भाई क्या कर रही है वैसा ऐसा क्या है ये ऐसा ना, और उसने देखो वहां पर्दे पे लगा दिया सारा का सारा। देखो भाई ऐसे उल्टे काम रहते हैं, पहले मुंह पे पोता लाइनर का लिपस्टिक समझ के लिप्स पे लगा दिया, हाँ, और फिर उसके बाद उस पे लगा दिया, क्या ही सीन है इसका भी।